अस्सलाम वालेकुम जी, वेखो पंजाब चैनल ते जी आया नूं जीउंदे वास्ते रहो। अज जी अदाकार मुस्तफा टेंड साहब उत्ते अगे असी एक वीडियो पाई सी, समझ लो कि वह बहुत ज़्यादा तुसी उन्हें प्यार दिता, मुहब्बत दी, पसंद की। उदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पा दाँगा, तुसी वीडियो वेख सकदी हो उन्हां दी बायोग्राफी ते। अज मैं मुस्तफा टेंड साहब दियां 6 जनाबे लई बेहतरीन फिल्मां जिहदे विच उन्हां ने बड़े बड़े शानदार रोल कीते वह दसन जा रहा। दूसरी असी वीडियो उन्हां दे कर रहे हैं, समझो खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं कि उस बंदे ने बड़ा काम किया, लेकिन सारी उम्र समझो कि एक एक्सट्रा वांगू ही रहा। एक मेन जिहड़ा विलन का रोल वह बेचारा नहीं कर सकिया, लेकिन रोल उन्हें शानदार किए। यह 6 फिल्मों में उन्हों का तुम कम वेखोगे तो जरूर मज़ा आएगा। आओ फिर तुम दस रहे हो कि कैड़िया फिल्मों ने। उस तो पहले गुजारिश है, अगर चैनल पर नवे हो तो सबसक्राइब करके मौत पा दवो, वीडियो में लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करो कि तुम्हें वीडियो जी किस तरह की लगी। ठीक है जी, आओ फिर शुरू करनी। लो जी, मुस्तफा टेंड की पहली फिल्म जी असं दसन जा रहे हैं वह ना है जी अज का महीवाल, जिदे हदायतकार सन हैदर चौधरी साहब, बहुत व्डे तुम्हें पता है डायरैक्टर हो। तू ब्यूटी के सामने मेरे को मार खानी है, इन मैं पहले ही आखता सी कि मेरे नक नु हाथ ना लाई, इन्हें मेरे नक नु हाथ लाता ते मैं ला लख। ये 1973 में फिल्म रिलीज हुई सी जिदे के मेन रोल जिहड़े कर रहे ने ओ मनवर जरीफ साहब ने किया ते नाल आलिया ने किया, ते सैकंड पेयर जिहड़ा सी ओहदे विच शामिल सन अफजल खान साहब ते नाल सन हीरवन उन्हां दे संगीता मैडम। ये मुनव्वर शरीफ जिहड़ा एक अमीर घराने का मुंडा होंदा, एक शहरी बाबू मम्मी डैडी। दूसरे पासे जिहड़ा अफजल खान है वह शहर में एक टांगा चलाउण वाला होंदा, ते मुनव्वर शरीफ की जान बचांदा है अफजल खान, जिथों ये फिर जिहड़े ने दोस्त बन जाते हैं। बड़ी एक मज़ेदार कहानी है, दिलचस्पी है। जो फिल्म स्टार्ट होंदी है ना तो समझो कि बंदा जिहड़ा इधर उधर नहीं वेख सकता। ये मुस्तफा टेंड का जिहड़ा रोल है बड़ा शानदार, एक पहलवान का, एक रैसलर का रोल है, कि रैसलिंग करते हैं। फिर समझो कि कुछ पैसे अगे चल के गुरबत ऐसी छांदी है कि घरों भज गया हुंदा मुनव्वर शरीफ, तो पैसा नहीं कोल हुंदा, फिर कुश्ती करके पैसा कमाना चाहता है। लिहाजा रैसलिंग जी जी कुश्ती है, लड़ाई है अखाड़े विच, वह हुंदी है मुस्तफा टेंड नाल मुनव्वर शरीफ की। ठीक है जी, बड़ी शानदार है, वह वेखन वाली है। अगला सीन जिहड़ा मुस्तफा टेंड का बड़ा शानदार वेखन वाला कि उहदे विच उहनूं पैसे दिते जांदे ने कि तू मेरे तो कोट खानी है ताकि मैं हीरोइन की नज़र में जिहड़ा ना एक हीरो साबित हो जा। लिहाजा जब जो जाते हैं वो फाइट होंगी है उत्थे, वो जरा अगर जरा हीरो बनना चाहता, हीरो होंदा तो नहीं है वो, कि मुस्तफा टेंड के नक से जरा मुक्का मार दिंदा, तो यदि एक छेड़ होंगी है कि नक में जो हाथ लग जाता ना समझो कि अगले बंदे को कुट के रख दिंदा। वो इस तरह ही होंगे, हालांकि ने पैसे ले होंगे ने मार खान के, लेकिन वो जो ये नक के चपेड़ मुक्का वजदा ना ये फिर मार मार के अगले का धूं कढ़ दिंदा। बड़ा शानदार है रोल है वेखन वाला, तो बड़ी है शानदार कहानी भी है इस फिल्म की, मज़ेदार फिल्म है। तो अगली फिल्म है मुस्तफा टेंड की जी 1975 की अज की गल, जिदे डायरैक्टर सन असद बुखारी साहब। दीदी कभी तो नागा कर लिया कर, की गल है? यदि कास्ट है जी मुनव्वर शरीफ, फिर इकबाल हसन, नन्ना साहब, असद बुखारी, फिर अली जाज, फिर दीबा बेगम, आसिया बेगम। यदि कहानी जी ना एक घर की कहानी तो स्टार्ट होंगी है, बड़ी शानदार फिल्म है, अभी वेखन वाली है कि ये इकबाल हसन जिहड़ा ना एक जुआरिया बनया, नशई बनया, ठीक है, जरा कोठियां ते भी जाता है, सारा कुछ करता है, तो अपनी बीवी दीबा बेगम ते बड़े जुलम करता, अपने छोटे बच्चे ते बड़ा जरा जुलम करता है, कि उन्होंने घरों कढ़ दिंदा, उहदियां चीज़ां वेच दिंदा। तो जिहड़े कोठे ते जांदा ना, जिहड़ी बाई कोल जांदा, उत्थे उन्हां दा जरा चमचा, उन्होंने जरा बदमाश गुंडा रखिया हुंदा ना, वह मुस्तफा टेंड हुंदा। तो उस कोठे की जिहड़ी वड्डी बाई है, माई है ना, वह सीमा बेगम ने बड़ा शानदार रोल निभाया है। ठीक है, जिदे अगे अगे बच्चियां कुड़ियां होंदियां ने, वह कुड़ी जिहड़ी अगे हुंदी है ना, उहनूं जनाब इकबाल हसन पसंद करदा, अपनी बीवी नूं नहीं करदा, कोठे वाली नूं पसंद करदा। लिहाजा जदों उत्थे जांदा ना तो मुस्तफा टेंड ते जिहड़ी सीमा बेगम है कोठे वाली, उन्हां दी डायलॉग जिहड़े ने बड़े मज़ाइया जे सुनने वाले ने। तो आखिर एक सीन बड़ा मुस्तफा टेंड का वेखन वाला है कि जो इकबाल हसन कोठे ते जांदा ना कुड़ी नूं लैण वास्ते पैसे लैके, कि आ बाई तो आ पैसे फड़ ते कुड़ी नूं मेरे नाल टोर, मैं इहनूं जरा इज्जत देना चाहुंदा वां, इस गुनाह की दलदल चों कढ़ना चाहुंदा। उत्थे सीमा बेगम भी बड़े डायलॉग बोलदी है कि सारी जिंदगी हमेशा जिहड़ा भी कोठे ते आउंदा अमीर वह यही आंदा है कि मैं जवान कुड़ी नूं लै जा, मैं इहदे ते नेकी करा, पुन खट लवा। कदी किसी ने यह नहीं आख्या कि साढ़े वर्गियां जिहड़ियां माइयां ने कोई इन्हां नूं भी लै जावे घर, मां बनाए जाके इज्जत दे इन्हां नूं। यह भी रोल बड़ा शानदार है उत्थे जिहड़ा सीमा बेगम का। फिर उत्थे मुस्तफा टेंड जिहड़ा जदों फाइट होण लग पैंदी है, सीमा कहिंदी है कि जिन्ने गुंडे ने ना फड़ लो इहनूं, मारो इहनूं।
इकबाल हसन लिहाजा ये अपने घर जाए अपनी बीवी ना रहे जाके ठीक है। उत्थे मुस्तफा टेंट साइड ते लगा हुंदा है जिन्हों सीमा बेगम जाके आंदी भी चल वो कहिंदा किधर पिछले घर अंदर चलीए वो भी बड़ा रोल एक वेखन वाला है एक डायलॉग सुनने वाला है जितों फिर मुस्तफा टेंट भी लड़ाई करता है बड़ी है भी एक कहानी घर की कहानी है बड़ी शानदार मूवी। इस कैटेगरी अगली जी सा फिल्म है वो जी 1974 की नौकर वोटी का जिड़ी कि मुनव्वर शरीफ के करियर की सब तो वड्डी फिल्म है एज ए हीरो ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਮਾਪੇ ਢੋਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਾਨ ਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਆ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਿਆਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਧਰ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਸੀਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਸੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਦੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀ 1978 ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੇਰਾ ਕਾਮ। ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਜਮਾ ਬੇਗਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀ 1984 ਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਉਹ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸੰਗੀਤਾ ਬੇਗਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਨ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿੱਢ ਛੇਡ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਟਕੇ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਟਿੰਡ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੀਨ ਬੜਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਨੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ
बड़ा शानदार रोल है उहदा। इस वीडियो की आखिरी जिहड़ी लास्ट मूवी है साडी जिहदे विच मुस्तफा ट्रेंडर ने बड़ा शानदार रोल किया है, एक समझो कि बहुत वड्डे विलन का रोल किया है। यह फिल्म है 1986 की अंधा कानून। साधू अग तो खार खांदा है, अग दे पांबर वेखे के सत समाजा तो उच्चा हो जा। जिहदा मेन जिहड़ा हीरो का किरदार किया है वह गुलाम मुहीद्दीन साहब ने किया है, बड़ा बहुत ही आउट क्लास किस्म का काम उन्होंने, गैटअप मैं बड़ा जिहड़ा शानदार लगता। फिर ये मज़े की गल है कि आबद अली साहब जो टी वी के बहुत व्डे जड़े ने अदाकार, उन्होंने पुलिस वाले का जोड़ा रोल किया पूरी फिल्म के छाए ने। फिर ये मेन विलन जोड़े कि समझो कि सपोर्टिंग विलन का रोल करते रहे अलताफ खान साहब, वो ये मेन रोल विलन का कर रहे हैं। फिर सावन भी विलन का रोल किया, तो जोड़ा मेन विलन का रोल किया ये अलताफ खान साहब ने, वह जरा दाया बाजू हों मेन जरा व्डा विलन हों तो वह होंगे अगे मुस्तफा टेंड, जिदा के रोल यकीन करो कि आ फिल्म वेखन वाली है। मुस्तफा टेंड का काम ही बड़ा वेखन वाला है। कहानी नासर अदीब साहब ने लिखी है, तुहानू पता किड्डे वड्डे वो कहानी राइटर ने, तो ये डायरैक्टर अलताफ हुसैन ने जिन्ना के शानदार फिल्म अपने करियर च बनाई हैं। यह छे ऐसिया फिल्मों ने मुस्तफा टेंड दियाँ जिहड़ियां कि यादगार फिल्मों ने जिन्हें इन्हों का काम बहुत ही सोहना वेखन वाला है, तो मैं सोचा थोड़े नाल भी शेयर कर दवा क्योंकि ये वो गुमनाम अदाकार ने कि जिन्ना काम तो बहुत किया लेकिन इन्हां ते कोई वीडियोज़ नहीं करता, इन्हां कोई ट्रिब्यूट पेश नहीं करता, लिहाजा ये असी जिन्हां वाली काम कर रहे हैं कि जिहड़े छुपे ऐस जिहड़े जिन्हां ते कोई बंदा काम नहीं कर रहा उन्हां ते वेखो पंजाब काम कर रहा, तो उन्हां दे नाम उन्हां दी अदाकारी उन्हां दा काम तुहाडे सामने ले आ रहा ताकि तुसी भी वेख सको कि आ साडी इंडस्ट्री जिहड़े इंडस्ट्री दे वड्डे अदाकार होए। उम्मीद करांगे तुहानू वीडियो पसंद आई है, फिल्मां वेखोगे तुहानू इन्हां दा कम शानदार लगेगा। दिओ इजाजत, अगली किसी वीडियो च मुलाकात होएगी फिर जी, अल्लाह बेली।